इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में हार से तिलमिलाए गुट ने कैंपस में आगजनी और देसी बम फेंकने शुरू कर दिए। इस दौरान हॉलैंड हॉल हॉस्टल में नवनिर्वाचित और निवर्तमान अध्यक्ष समेत 8 लोगों के कमरों को आग के हवाले कर दिया गया। साथ ही हॉस्टल में मौजूद छात्रों की गाड़ियों में भी आग लगा दी। आगजनी के बाद कई हॉस्टल से छात्र रॉड, हॉकी और लाठी लेकर सड़क पर उतर आए। आग लगने की सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए पहुंची। नवनिर्वाचित अध्यक्ष उदय प्रकाश ने हिंसा और आगजनी के लिए एबीवीपी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में समाजवादी छात्र सभा जीती है। एबीवीपी के जो गुंडे हैं, एबीवीपी के जो गुंडे हैं, जो योगी आदित्यनाथ के सरपरस्त गुंडे हैं, इन गुंडों ने हमारा अवनीश यादव, जो मैं आज निवर्तमान छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ, मेरे कमरे को, और जो वर्तमान छात्र संघ का अध्यक्ष है जो निर्वाचित हुआ उदय प्रकाश यादव, उसका कमरा इसलिए फूंक दिया गया है क्योंकि हम लोग यादव बिरादरी से आते हैं और ये बैकवर्ड है। हम लोग को बैकवर्ड होने की सजा दी गई है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर, और उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ और एबीपी के गुंडे के सब पर हम लोग के कमरे को फूकने काम किया। हम लोग पास कुछ बचा हुआ नहीं है। कुछ है एबीपी परिषद के लोग जो कि हम लोगों का ये जला दिए हैं, उसमें मुख्य रूप से अतेंद्र सिंह है। क्या क्या जलाया है? क्योंकि वो भी हॉस्टल के ही हैं और हम लोगों पर बहुत दबाव बना रहे थे कि हमारे साथ प्रचार करो, हम लोगों ने उनका साथ नहीं दिया क्योंकि एक अच्छे व्यक्ति नहीं है। देर रात आए नतीजों में समाजवादी छात्र सभा ने अध्यक्ष पद और NSUI ने उपाध्यक्ष और सचिव पद पर जीत हासिल की। एबीवीपी सिर्फ महासचिव का ही चुनाव जीत सकी। अध्यक्ष पद पर समाजवादी छात्र सभा के प्रत्याशी उदय प्रकाश यादव ने जीत दर्ज की। उदय ने एबीवीपी के अतेंद्र सिंह को 774 वोटों से हराया। कैंपस में हुई हिंसा के मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हॉस्टल से लेकर बाहर तक बमबाजी और आगजनी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि आग किसने लगाई है। लेकिन ये साफ है कि ये बवाल चुनावी रंजिश के चलते हुआ है। पुलिस इसको संज्ञान में लेकर इसमें कार्रवाई कर रही है, FIR दर्ज करेगी, जो संबंधित लोग हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी छात्र संघ चुनाव नतीजों में करारी हार मिलने के बाद एबीवीपी के छात्रों ने JNU में जमकर हंगामा किया था। एबीवीपी के छात्रों ने JNU के अध्यक्ष NSI बालाजी समेत कई छात्रों के साथ मारपीट की थी। बाद में वसंत कुंज पुलिस ने आरोपी एबीवीपी के छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज करने से मना कर दिया था।